सत्ता कौन है? सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। और मैं पहले भी आरोप लगाया था कि पूरे बिहार में हर थाने में एक छोटा दरोगा बैठा ही इसी काम के लिए, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, आज बिहार के किसी कोने में इसी कैंपस के भीतर में मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून है, और बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पर 10 लोग जहरीली शराब पीने से टपक गए हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार सरकार में कृषि मंत्री रहे पूर्व में सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को फेल बताया है। बता दें आपको कि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, और इसको देखते हुए सुधाकर सिंह ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सुधाकर सिंह ने यह साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून तो लागू कर दिया, लेकिन आए दिन शराब बिक रहा है, पी रहे हैं लोग, तो वहीं जो सत्ता में बैठे नेता हैं, मंत्री हैं, उनका संरक्षण शराब माफियाओं को मिल रहा है, और जहरीली शराब से मौतें हो रही है, राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। तो वहीं सुधाकर सिंह ने यह साफ कह दिया है कि सबसे जो मुख्य जगह माना जाता है बिहार विधान परिषद या फिर विधानसभा, वहां पर शराब की बोतलें मिलती है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते दिन भी जो शराब की खाली बोतलें हैं वो मिली थी, हमने कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और लगातार जो शराब माफिया उनको सरकार में बैठे मंत्री नेता संरक्षण दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे सुधाकर सिंह, वो सुने आप लोग। बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है, बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है, उसमें ये लोग कामयाब हैं। और आज तक तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। दोषी कौन है? दोषी कौन है? सत्ता का संरक्षण, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। और मैं पहले भी आरोप लगाया था कि पूरे बिहार में हर थाने में एक छोटा दरोगा बैठा ही इसी काम के लिए, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, आज बिहार के किसी कोने में इसी कैंपस के भीतर में मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। आज तक जाँच का रिपोर्ट आया, जब अति सुरक्षित एरिया जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है, उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे, और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं कार्रवाई, संशोधन होना चाहिए। मैं शराब को लेकर के मेरी धारणा साफ है कि मैं शराब को ही लेकर नहीं, हम उन तमाम चीज़ों को लेकर जो खाने और पीने की जो सामान है उस पर प्रतिबंध जैसा लगाना एकदम से ही आप कह सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन का है। खोल देना चाहिए शराब। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, आप अवेयरनेस के जरिए उनको, आप उनको लोगों को काउंसलिंग के जरिए शराब पीने की जो सिस्टम है उसको आप समझाना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस नज़रिए से यह क्रिमिनल एक्ट का हिस्सा नहीं है, यह सिविल एक्ट का हिस्सा है, और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो गलत हैं, लेकिन उस सभी चीज़ों के लिए जेल भेजना ये जायज़ नहीं है। और पूरा जो सरकार चलाने का जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, वो इस काम के लिए क्यों नहीं बना है कि बिहार की जो जनता टैक्स देती है वो सारा पैसा सरकार चलाने में चला जाए। डेवलपमेंट के लिए भी पैसा होता है, आपको विकास करने के लिए पैसे मिलते हैं, उस सारे पैसे का अपव्यय आप करते हैं, जेल बनाते हैं, पुलिस लगाते हैं, जुडिशरी की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं, इस काम के लिए सरकारें नहीं होती। सरकारें न्यूनतम खर्च में चलनी चाहिए और अधिकतम उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक।
तो आपने सुन लिया, राजद नेता और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने यह शाप कहा है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन आए दिन शराब की बोतलें बिहार विधानसभा में मिलती है, आए दिन बाहर में बोतलें मिलती है, तो वहीं शराब माफियाओं को नेताओं की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो एक जो नियम है वो बना हुआ है, लेकिन जो शराब लोग पीते हैं उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, ये सही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अवेयरनेस जो है फैलाना चाहिए सरकार को, और बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो है कुछ चेंजिंग करना चाहिए। सुधाकर सिंह ने तमाम मांगे कर दिए, तो वहीं सुधाकर सिंह का यह साफ कहना है कि मेन इलाका जो है बिहार विधानसभा विधान परिषद है, और वहां पे बाउंड्री के आसपास जो है शराब की खाली बोतलें मिलती है। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल लगातार जो महागठबंधन के अनेक घटक दल के नेता है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा करने लगे हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे सुधाकर सिंह आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।